नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। अभी कुछ दिन पहले मैं विंटर के प्लांट्स लेकर आई हूँ, आज उन्हीं का काम करना है। सॉइल मेरी तैयार है। अभी जब मैंने अपने गार्डन में छत पे काम कराया था, एक हेल्पर बुलाया था, उन्हीं से मैंने जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा मिट्टी थी, खाली मिट्टी थी, सब में कंपोस्ट मिला के, नीम खली मिलाकर मैंने उसको तैयार करके रख दिया था, क्योंकि आगे मुझे पता था कि आगे आने वाले टाइम पे प्लांट्स आएंगे, फिर मैं मिट्टी तैयार करूँ, तो वो प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी। गमलों में भर जितने भी खाली गमले थे उनको अच्छे से धूप दिखाकर, मिट्टी को भी अच्छे से धूप दिखाकर, उसमें सारी कंपोस्ट और थोड़े से DAP, नीम खली, ये सब मिलाकर मैं कंपोस्ट में मैंने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट दोनों ही मिलाया था, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इनकी मिट्टी बार बार चेंज नहीं करनी। अभी जो जैसी मिट्टी तैयार कर लेंगे, ये पूरे सीज़न मतलब मार्च तक तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, वो गर्मी पर डिपेंड, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो अप्रैल में नहीं चल पाएंगे, पर मार्च तो चलेंगे। तो अभी ही इतनी अच्छी मिट्टी तैयार कर लेंगे, उसमें अच्छे से कंपोस्ट सब मिला के रख देंगे, जिससे कि उनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि सीजनेबल है ये, तो सीज़न पूरा सीज़न ये कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने अच्छे से सॉइल तैयार कर ली। मैं आपको बताऊँ, जैसे एक गमले की मिट्टी है, एक गमले में आधा पार्ट तो मैं मिट्टी लेती हूँ और आधे पार्ट में हाफ कंपोस्ट लेती हूँ और हाफ ही मैं सैंड लेती हूँ, और इसी का ही रेशियो मैं सारे प्लांट्स में रखती हूँ। वैसे भी मेरे जो परमानेंट प्लांट हैं उनका भी रेशियो मैं यही रखती हूँ, और मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं, आपको मैं दिखाती रहती हूँ समय समय पे। तो वही आज मैंने काम किया है, सॉइल मेरी तैयार थी, खाली प्लांट्स पैकेट से निकाल के गमलों में रखना है, और तो वही आज मैंने काम किया है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि वो काम कैसे हुआ है, और उस प्लांट लगने के बाद, मतलब गमलों में लगने के बाद प्लांट्स कैसे लग रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। Just so.
इस तरह से देखिए, मैं 15 प्लांट लेकर आई थी और 15 के 15 मैंने लगा दिए हैं। मुझे लगभग 1 घंटा लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर मेरी ये मिट्टी पहले से प्रिपेयर नहीं होती तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि आधा काम मैंने पहले ही करा के रख लिया था। सिर्फ गमलों को वैसे मुझे खाली करना पड़ा, क्योंकि होल चेक करने थे कि गमले जिसमें हम प्लांट लगा रहे हैं उसे पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो नीचे ठिकरी वगैरह लगा दी, और जो मेरी सूखी पत्तियाँ थी गार्डन से जो झाड़ू लगाते में निकलती हैं, वो मैं गमले में रखती जाती हूँ। वहीं थोड़ी एक लेयर नीचे उसकी बिछा दी है, जिससे कि पानी को, इनको जड़ों को थोड़ा सा हवा भी मिलती रहे जड़ों नीचे प्लांट जो होल है। और अब मैं पानी देने वाली हूँ। पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दिया। वैसे तो सॉइल में मेरी नीम खली मिली हुई थी, पर ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि विंटर प्लांट्स में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकलती नहीं है तो पानी भरा रहता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो फंजीसाइड मिला दिया है, 10 ग्राम करीब मैंने एनपीके मिला दिया है, एनपीके 90-90-90। इससे क्या होगा कि ये इनकी ग्रोथ में भी सहायता करेंगे, और प्लस फ्लावरिंग के लिए भी जो एनपीके होता है अच्छे वह हेल्प कर देता है। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला है, क्योंकि बारिश की वजह से सारी मिट्टी अभी गीली थी, और बहुत पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि ये सारा सेट हो जाए। अगर मिट्टी में थोड़ी सी गैप आ जाती है तो वो गैप सारा फिल कर देगा ये पानी। और फिर दोबारा पानी तभी देना है जब ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, और बहुत पौधा मुरझाने नहीं देना है। और रखना इस जगह, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले, क्योंकि इस समय की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, प्लांट मुरझा जाएगा। तो मैं भी अभी इनको हटा दूँगी, दूसरी जगह रख दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।